हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, किसी भी मंजिल को पहुंचना चाहते हैं, किसी भी मुकाम को अपना बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना होता है वो करना होता है अपने एटीट्यूड पर। हम मेहनत बहुत करते हैं, हम फिजिकली एफर्ट्स बहुत डालते हैं, लेकिन अगर उस फिजिकल एफर्ट के साथ हमारे मेंटल एफर्ट्स भी अगर एड ऑन हो जाएं, सो डेफिनेटली हमारे वो फिजिकल एफर्ट्स बहुत जल्दी ही रंग लाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ और जब मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो फिजिकल इस्तेमाल होने वाली या फिजिकली करने वाली वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के नाम दे देते हैं। लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ पर तो हम कभी फोकस ही नहीं करते। सो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, उस गोल को अचीव करने के लिए जो शुरुआत है वो सबसे पहले होती है आपके दिमाग से। अपने दिमाग में उस चीज़ को अचीव करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखें, तभी आप किसी भी चीज को, किसी भी मुकाम को, किसी भी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो प्रैक्टिस आपको दी गई है, आप इसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस जरूर करेंगे और अपनी लाइफ में इसकी वजह से बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव भी देखेंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ कलौंजी से बनने वाले एक हेयर और एक फेस मास्क के बारे में। कलौंजी, जिसको कि हम ब्लैक सीड्स भी कहते हैं, जिसको प्याज के बीज भी कहा जाता है बहुत सारी जगह पर, ये एक ऐसा बीज है जिसे ये कहा जाता है कि अगर मौत को अगर छोड़ दें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें कलौंजी के बीज ने बहुत ज़्यादा जादुई करिश्मे हमें दिखाए हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है। सो आज ये हमारी स्किन के लिए क्या करेगा, हमारे बालों के लिए क्या करेगा, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कलौंजी हमारे घरों में पाया जाने वाला एक बहुत साधारण सा एक मसाला है, जिसे हम अचार में और बहुत तरह के फर्मेंटेड फूड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी जो है, अगर मैं न्यूट्रिशियस वैल्यू के हिसाब से बोलूं तो उसके अंदर लगभग 38 तरह के मिनरल्स होते हैं, 4 तरह के विटामिन होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे के सारे न्यूट्रिशंस अगर कलौंजी को हम रोज़ अपने खाने में लगभग आधा चम्मच अगर शामिल करना शुरू कर दें तो हमें शायद किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब यही मल्टीविटामिन्स जब हमारी स्किन में कम हो जाते हैं, जब हमारी स्किन के बाहर से लगाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा नहीं करते, स्किन की जो ज़रूरियात हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, उसकी कमी को पूरा नहीं करते, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी स्किन हो जाती है डिटोरिएट। बालों में जब ये न्यूट्रिशंस नहीं मिलते तो बालों के अंदर हेयर फॉल और डैंड्रफ या फिर फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक स्किन पैक और एक हेयर पैक बता रहा हूँ, जो कि हम कलौंजी की मदद से बनाने वाले हैं। सो स्किन पैक कैसे बनाएंगे? स्किन पैक बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही चीज़ें चाहिए। नंबर 1 चाहिए कलौंजी का पाउडर। सो कलौंजी को आप बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर के अंदर, और उस पाउडर को लगभग आप ले लीजिए 4 चम्मच। कलौंजी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के ऊपर जमा डेड सेल्स तो निकालता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन के अंदर होने वाली जो टैनिंग है, सनबर्न है, उसे निकाल करके स्किन को एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो हमारी नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होना शुरू हो जाती है। तो 4 चम्मच हमने यहाँ पर लेना है कलौंजी पाउडर। इस कलौंजी पाउडर के अंदर हमें मिक्स करना है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और मिल्क पाउडर के अंदर होने वाला ये लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देता है, हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो करने में मदद करता है, हमारी स्किन नेचुरली हेल्दी एंड बहुत ज़्यादा अपीलिंग हमें नज़र आती है। सो मिल्क पाउडर हमें लेना है 2 टेबल स्पून। नंबर 3 और नंबर लास्ट जो इंग्रीडियंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए, वो चाहिए हल्दी। हल्दी अगर हमें कस्तूरी मिल जाए तब तो कहने ही क्या, क्योंकि कस्तूरी हल्दी
स्पेशली बनी हुई होती हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। सो कस्तूरी हल्दी के अंदर कलर नहीं होता, लेकिन पूरी की पूरी हल्दी की जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल, एंटी माइक्रोबाइल एजेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी कस्तूरी हल्दी में होती है। और इसके अलावा ये हमारी स्किन को ब्यूटिफिकेशन करने में हमारी मदद करता है। कस्तूरी हल्दी हमें यहाँ पर मिलानी है 1/4 चम्मच। तो अभी तक हमने 3 ही चीजें ली है, हमने 4 चम्मच कलौंजी का पाउडर लिया है, नंबर 2 हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया था और 1/4 चम्मच हमने कस्तूरी हल्दी यहाँ पर ऐड की है। इन तीनों ही चीजों को मिला करके अब आप इस फेस पैक को बना करके रख लीजिए। जब भी अब आपको इसे लगाना हो तो इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। टोटल आप 1 चम्मच अपना पाउडर निकालिए जो आपने कलौंजी पैक बनाया है और उसे या तो दूध के साथ में या दही के साथ में या शहद के साथ में आप बहुत अच्छे से पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर इसे लगाइए। आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे बाद इसे बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर नेचुरली बहुत ज्यादा ग्लो आने लगा है। एंड ये प्रोसेस अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन 2 से 3 हफ्ते में ही बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा शाइनी आपको नजर आना शुरू हो गई है। अब बात करते हैं बालों के लिए। सो बालों के लिए अगर हम कलौंजी पैक बनाना चाहते हैं तो भी हमें 3 ही चीजें चाहिए। नंबर 1 कलौंजी। सो कलौंजी के अंदर बालों को देने के लिए होता है बायोटिन, और बायोटिन के अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि कलौंजी को बालों के लिए बहुत ज्यादा सुपर पावरफुल, सुपर रिच फूड बना देता है। इसके बाद हमें इसके अंदर लेना है दाना मेथी। दाना मेथी के अंदर भी बहुत ज्यादा बेहतरीन एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बालों को न्यूट्रिशंस देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। और नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए जो बालों में लगाने के लिए हमें काम में आएगा वो है हमारा मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो इस दाना मेथी को और इस कलौंजी के पाउडर को जो है वो बाइंडिंग कैपेसिटी देने का काम करेगी, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प में होने वाला जो एक्स्ट्रा ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो भी रुकता है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे बालों के अंदर होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? सो तीनों ही चीज़ें, मतलब कि कलौंजी, दाना मेथी एंड मुल्तानी मिट्टी, हमें तीनों ही बराबर मात्रा में लेनी है और अच्छे से मिला करके इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक सार एक पाउडर बना लेना है। अब लीजिए दोस्तों आपका हेयर पैक बनकर के तैयार है। इस हेयर पैक को हम पेस्ट बनाएंगे दही के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यहां पर कोई हम दूसरी चीज नहीं लेंगे, क्योंकि दही के अंदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने की ताकत होती है, क्योंकि वो खुद फर्मेंट हो जाता है। इसी वजह से हमें इसका पेस्ट दही के अंदर ही बनाना है। सो लगभग आप 4 टेबलस्पून ये पैक का पाउडर ले लीजिए और थोड़ा सा दही डालकर के अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इस हेयर पैक को अपने बालों में, अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद प्लेन पानी से अपने बालों को वॉश कीजिए और वॉश करके अपने बालों में लगा लीजिए कोई भी शैम्पू। तो उस शैम्पू की वजह से क्या होगा, जो दाने जो इस पैक के छोटे छोटे रह जाते हैं वो निकल आएंगे और आपके बाल एकदम लहलाते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा शाइनिंग आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस हेयर पैक को भी आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं और 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इन स्किन और इस हेयर पैक को बहुत आसानी से लगा सकता है। सो मेक श्योर कि इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। शामिल करने के बाद जो भी बेनिफिट्स होते हैं हमें वीडियोस के नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम देखें कि हमारी जो रेमेडीज है वो आपके लिए क्या कुछ मैजिक्स कर रही होती हैं। दोस्तों चलते चलते एक ही इल्तिजा करूंगा कि आपका प्यार आप हमें बिल्कुल ऐसे ही देते रहेंगे जैसे देते आए हैं। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।